नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके इस YouTube चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके SSC CGL के एग्जाम के बेस ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अगर जो आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका अपडेट तुरंत मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध कितने सालों तक लड़ा गया था? तो इसका आंसर 6 वर्षों तक। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1939। थर्ड क्वेश्चन, इस युद्ध का अंत कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो 61 देशों ने द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। नेक्स्ट, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का क्या नाम रखा गया? तो आंसर है डेजर्ट फॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ? तो आंसर है सितंबर 1938 को म्यूनिक पैक्ट कम्प्लीट हुआ, संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी ने किस संधि का उल्लंघन किया था? तो वर्सायो की संधि थी जिसका जर्मनी ने उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का वर्सायो की संधि कब तोड़ी? जर्मनी ने वर्सायो की संधि 1935 में तोड़ी। स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो आंसर है 1936। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश बना? तो स्पेन। नेक्स्ट, सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया? तो बारबोसा। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया? तो आंसर है 10 जून 1940 को जर्मनी की ओर से इटली ने पार्टिसिपेट किया था या प्रवेश किया था। तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 सितंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उस समय जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह विंस्टन चर्चिल, चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है वर्सायो की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो है रूस को जाता है जर्मनी का पराजय का श्रेय। नेक्स्ट, अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया? तो 6 अगस्त 1945, दो डेट निकल के आते हैं, 6 अगस्त 1945 को पहला तथा 9 अगस्त 1945 को दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के किन शहरों पर एटम बम गिराया गया? तो पहला जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, और 9 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था वो नागासाकी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के राज्य पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? वो था जापान, जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित हो गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या है? इंटरनेशनल क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या है? वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ 22 क्वेश्चन थे जो द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके नेक्स्ट SSC CGL के एग्जाम में आ सकते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं और बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा और मिलते हैं, अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।